लगातार 4 मैचेस हारने के बाद क्या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम अभी भी प्लेऑफ के रेस में बनी हुई है? जी हाँ, अभी भी बनी हुई है। आज की वीडियो में बात करेंगे आरसीबी की टीम के पास और क्या क्या ऑप्शन है और क्या क्या एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कर सकती है आरसीबी की टीम, और वो एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट मैच में भी आरसीबी की टीम आई थिंक करने वाली है। तो इस वीडियो में बात करेंगे, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा एंड फटाफट टेलीग्राम को ज्वाइन करो। टेलीग्राम का लिंक फटाफट आप सभी को डिस्क्रिप्शन पे दे दिया गया है, तो फटाफट जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। अब गाइस बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के बारे में। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम की बात करें तो नेक्स्ट मैच में ग्लेन मैक्सवेल आप सभी को नजर नहीं आ सकते, क्योंकि रिसेंटली रिपोर्ट आई है कि ग्लेन मैक्सवेल इंजर है, उनकी उंगली में चोट लगी है। ग्लेन मैक्सवेल की जगह पे कौन सी खिलाड़ी की एंट्री हो सकती है आरसीबी के प्लेइंग 11 में, अब थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। अब सबसे पहले आरसीबी की बैटिंग लाइनअप की बात करें तो बैटिंग तो अच्छी कर रही है। आरसीबी की फिनिशिंग की बात करें, कोई ना कोई आके रन बना ही रहा है। विराट कोहली रन नहीं बना रहे तो फैफ डू प्लेसी बना रहे, फैफ डू प्लेसी नहीं बना रहे तो विराट कोहली बना रहे। दिनेश कार्तिक आके हमेशा अच्छा फिनिश कर रहे हैं। राजत पाटीदार भी अच्छे फॉर्म में वापस आ चुके हैं लास्ट मैच में हमने देखा, तो आरसीबी की बैटिंग तो सही चल रही है। और विल जैक्स की भी एंट्री हो चुकी है टीम में और नेक्स्ट मैच में भी विल जैक्स हम सभी को प्लेइंग 11 में नजर आने वाले हैं। इन्होंने जो इंटेंट दिखाया ये देख के काफी अच्छा लगा कि भाई मैं तो ऐसे ही खेलूंगा और एक खिलाड़ी ऐसा ही खेलता है और मैं चाहता हूं कि आरसीबी की टीम में एक ऐसा खिलाड़ी हो जो आते ही से फायर करे, इधर उधर ना देखे। और मुझे ऐसा लगता है कि ग्लेन मैक्सवेल की जगह पे एक फॉरेन बॉलर को, मेरे हिसाब से लॉकी फर्गुसन बाहर बैठे हुए, तो ग्लेन मैक्सवेल की जगह लॉकी फर्गुसन अगर टीम में आते तो बहुत अच्छा रहेगा। अब सब कुछ आपने ट्राई कर लिया, आपने सब कुछ देख भी लिया और अब आपके पास एक आखिरी ऑप्शन है कि आप लॉकी फर्गुसन को भी अंदर लाओ एंड उनको भी थोड़ा सा ट्राई कर लो। अगर वो चल जाते तो शायद आपकी किस्मत खुल सकती है, तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो क्योंकि आरसीबी की टीम के पास अब कोई ऑप्शन है नहीं। ऋषि टोपली, लॉकी फर्गुसन, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, आपके पास फास्ट बॉलिंग लाइनअप अच्छी खासी रेडी हो जाएगी। दो फॉरेन खिलाड़ी आपके फास्ट बॉलिंग करने वाले हैं। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ग्लेन मैक्सवेल की जगह पे कौन सी खिलाड़ी की एंट्री हो सकती है आरसीबी के नेक्स्ट मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।